हेलो। हेलो हेलो हेलो। ओके, अब मुझे प्लीज़ बताइए, एम आई ऑडिबल? क्लियर? चलिए, ओके देन, फिर से स्टार्ट करते हैं शुरू से। सो माय नेम इज़ कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू गेट एकेडमी CSIT चैनल। तो जल्दी से आप लोग यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं बिकॉज राजस्थान में जो पोस्ट निकली है 10,000 पोस्ट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, ठीक है, तो उसकी तैयारी हम यहाँ करवाने वाले हैं। बेसिक्स तो फंडामेंटल बेसिक्स जो हमें यहाँ पे मालूम होना चाहिए, और इसके बाद में जब कोर की तैयारी होगी तो फिर वो बढ़िया तरीके से हो जाएगी, लेकिन उसके पहले यहाँ बेसिक्स मालूम होने चाहिए। तो जैसे परसों हमने देखा था कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में, कल हमने देखा था कि हार्डवेयर क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, और आज हमें देखना है आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, दैट इज प्रिंटर्स। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ना आपको प्रिंटर्स से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज होता है इसमें। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की क्लास यहां पे होगी, अपने यूट्यूब पे होगी पूरी कंप्लीट, और कुछ उसके बाद में जो मेन कोर्सेज हैं तो वो आपका पूरा लाइव ऐप पे क्लास चलेगा ये चीज। तो अगर आप लोग चाहें तो लाइव ऐप पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस है यहाँ पे सिर्फ 6,000, ओके 5,999 ओनली। ठीक है, तो मतलब राउंड फिगर कितना हो गया आपका 6,000। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये कोर्स बहुत कम है, ये एक्चुअली जो है ना, ये एक्चुअली में बहुत कम है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, यहाँ आपको टेक्निकल के जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सब भी यहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा, और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज के थ्रू, सबसे मेन चीज है ना यहाँ पे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम आज प्रिंटर्स, इसके बाद में हम थोड़ा सा प्लॉटर्स देखेंगे, देन माइक को देखेंगे और स्पीकर्स, ये सब क्या होता है इनको। तो प्रिंटर जैसा कि हम सब जानते हैं ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन और डेटा को क्या करेगा, आपके प्रिंट करके देगा। एक हार्ड कॉपी में क्या करता है, प्रिंट करके देता है किसी भी चीज को, सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये चीज फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन टू द पेपर, ये चीज
अब जो भी आपका प्रिंट निकल रहा है, ध्यान से समझना, जो भी प्रिंट आपका प्रिंटर में निकलेगा वो आपका कलर में भी हो सकता है, साथ में ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है, राइट, दोनों हो सकते हैं, ये चीज बिल्कुल यस, हाँ टेस्ट सीरीज रहेगी, बिना टेस्ट के बिना क्वेश्चंस के तो कोई मतलब ही नहीं होता किसी भी सीरीज का, ये चीज ठीक है। अब द क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज डिटरमाइंड बाय द क्लैरिटी ऑफ द प्रिंट, ठीक है, एक प्रिंटर कैसा है, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा कि भैया जो प्रिंट निकला है उसकी क्लैरिटी कितनी है, वो कितना अच्छा है ना, उसकी इंक कहीं एक दिन में खराब तो नहीं हो जा रही है, ऐसे उससे ही पता चलता है कि वो प्रिंटर किस तरह का है ना, उसकी क्वालिटी कैसी है। यहां आपको कुछ चीजें जो याद रखनी है वो ये है कि प्रिंटर की स्पीड को आप मेजर कैसे करोगे, प्रिंटर की स्पीड को हम तीन डिफरेंट तरीकों से मेजर करते हैं, मतलब तीन एक कैटेगरी है उसके अंदर में। पहला होता है कैरेक्टर्स पर मिनट होगा ये, ठीक है, ये सेकंड नहीं है, पर मिनट है, तो कैरेक्टर्स पर मिनट, देन लाइंस पर मिनट और पेजेस पर मिनट। तो जैसे जैसे प्रिंटर का आविष्कार हुआ, ठीक है, और जैसे जैसे उसमें इनोवेशंस आने लग गए, वैसे वैसे ही उसके स्पीड करने के मेजर्स को भी हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ा, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले के ऐसे प्रिंटर्स थे जो कि सिर्फ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करते थे, फिर आए कुछ जो कि लाइन बाय लाइन प्रिंट करते थे, आज के जो एडवांस प्रिंटर्स हैं वो क्या करते हैं, एक बार में एक पूरे पेज को प्रिंट करके आपको देते हैं ऐसे, ठीक है, ये चीज। नोट्स सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी ऑब्वियसली, ऑनलाइन में तो सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, ये चीज ठीक है। देन एक और चीज यहां इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि प्रिंटर रेजोल्यूशन इज अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द प्रिंट क्वालिटी, ठीक है, तो प्रिंट क्वालिटी आप किसमें नापोगे, अगर पूछेगा कि प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी किसमें मेजर होती है, तो ये आपकी होती है डॉट्स पर इंच, पर इंच, सपोज करो ये एक इंच है, ठीक है, तो इसमें कितने डॉट्स हैं, कितने कितने डॉट्स हैं, जितने ज्यादा डॉट्स रहेंगे, जितने पास पास में डॉट्स रहेंगे, उतनी ही वो प्रिंटर की इमेज जो आएगी वो क्या आएगी, और क्लियर आएगी, ठीक है, ज्यादा डॉट्स होने चाहिए। तो डॉट्स पर इंच से पता चलता है कि प्रिंटर की क्वालिटी कैसी है, उसमें मेजर करेंगे, ठीक है, और स्पीड को किसमें मेजर करेंगे, कैरेक्टर पर मिनट, लाइंस पर मिनट या फिर पेजेस पर मिनट। तो ये दो चीज आपको सबसे पहले यहां पर ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, ठीक है, या और दूसरी चीज डीपीआई का फुल फॉर्म, ये। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है यहां पर इमेज। तो अगर मैं प्रिंटर की बात करूं तो प्रिंटर्स आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक होता है आपका इंपैक्ट प्रिंटर, एक होता है हमारा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इंपैक्ट प्रिंटर का मतलब क्या होगा, हाँ प्रिंटर, ठीक है, तो इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। अब अगर मैं बात करूं इंपैक्ट प्रिंटर्स की, तो ये अगेन दो टाइप के होंगे, एक होंगे कैरेक्टर प्रिंटर, एक लाइन प्रिंटर। अब समझो यहां पे, पहले ये समझ लो, आपकी क्वेरीज मैं सारी फिर करती हूं, ठीक है। यहां पे देखिए, कैरेक्टर प्रिंटर की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे प्रिंटर्स जो कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पहले प्रिंट करते हैं, ठीक है, ये। और वहीं अगर मैं लाइन प्रिंटर बोलूंगी, मतलब लाइन बाय लाइन जो प्रिंट करेगा। ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, ये इंपैक्ट प्रिंटर्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आपको नाम भी पता होना चाहिए, कुछ फेमस नाम, ऐसे तो बहुत प्रिंटर्स हैं, लेकिन कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उनको आपको यहाँ ध्यान में रखना है। जैसे अगर मैं कैरेक्टर प्रिंटर की बात करूं, तो डेजी व्हील प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ना, इसमें से कौन सा एक कैरेक्टर प्रिंटर है, इसमें से कौन सा प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर है, ऐसे। तो इसलिए आपको ये जो चार्ट है ये मालूम होना चाहिए। अगर मैं लाइन प्रिंटर की बात करूं, तो ऐसे प्रिंटर्स जो कि लाइन को प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो यहां पे आएगा आपका ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर, ठीक है, चेन एंड ड्रम। अब नॉन इंपैक्ट में आ जाइए, ठीक है, कैरेक्टराइज जेके करके समझेंगे कि ये होता क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर मैं नॉन इंपैक्ट की बात करूं, तो यहां पर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर अगेन तीन टाइप के आएंगे, एक होगा आपका लेजर, एक होता है इंक जेट, और एक होगा आपका थर्मल प्रिंटर, ठीक है, ये ऐसे। तो ऐसे इसे बाइफर्केट किया जाता है। ये जो आ गए पूरे, ये आपके लेजर प्रिंटर, इंक जेट, ये क्या है, ये पेजेस पर मिनट है ना, तो मतलब आप इसको पेज प्रिंटर भी कह सकते हो, ये सबको आप क्या कहोगे, पेज प्रिंटर,
क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, पूरा का पूरा आपका एक पेज जो है वो यहां पर प्रिंट होकर आएगा ऐसे, ठीक है। इसको इस तरह से हमको यहां पे समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंपैक्ट प्रिंटर को, इंपैक्ट डालना है ना। एक हम जैसे बातचीत में बोलते हैं ना कि कोई भी पर्सन पे आपका फर्स्ट इंपैक्ट कैसा पड़ता है, ये चीज, इसका मतलब क्या हुआ, इंपैक्ट पर छाप छोड़ना। इंपैक्ट प्रिंटर में क्या होगा, आपके इमेजेस कैरेक्टर्स सब आएंगे, ठीक है, हर चीज इसमें आएगा। लेकिन कैसे आएगा कि एक होता है रिबन, क्या होती है, एक चीज होती है यहां पे प्रिंटर में, दो चीजें होंगी, एक होता है रिबन है ना जिसमें इंक रहती है आपकी, इसमें ये वाले, और एक होगा इस पर हैमर, क्या होगा, हैमर ऐसे, ठीक है, दो चीजें होती है। तो यहां पर दोनों आवाज करते हैं, क्या करते हैं, दोनों आवाज करते हैं, तो ये होता है आपका इंपैक्ट, ये चीज, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है यहां पे इंपैक्ट प्रिंटर की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखा है, देखिए, बाय स्ट्राइकिंग अ मैकेनिज्म सच एज प्रिंट हैमर और व्हील अगेंस्ट एन इंक्ड रिबन, ठीक है। तो रिबन के ऊपर हैमर को ऐसे ऐसे मारते हुए, ठीक है, ठोकते हुए यहां पे क्या होता है, आपके कैरेक्टर्स जो है वो फॉर्म होते रहते हैं, ठीक, और इस तरह से इमेज कैरेक्टर्स जो है वो उस पेपर पे आ जाती है। अगर मैं बात करूं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स की, कौन सी, नॉन इंपैक्ट जो अब यूज हो रहे हैं, ये सब है ना, इस तरह के प्रिंटर्स आपके नॉन इंपैक्ट होते हैं, ये पुराने प्रिंटर्स है जिनको इंपैक्ट कहा जाता था, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, विदाउट टचिंग कोई काम नहीं होगा, ठीक है, यहां पे हैमर जो है वो आपके इंक रिबन के अगेंस्ट ऐसे मारना पड़ेगा। लेकिन नॉन इंपैक्ट में जब भी कोई कैरेक्टर या इमेजेस आपको बनाने हैं तो उसके लिए आपको फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती, मतलब हैमर और रिबन के बीच में ये फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती, ठीक है, विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रिंटिंग मैकेनिज्म एंड द पेपर, ठीक है। तो जो पेपर रहेगा, ठीक है, उसे वो एक लाइट के थ्रू आपका क्या हो जाता है, यहां पे हर चीज प्रिंट हो जाती है, तो इसीलिए यहां पे किसी भी तरह के टच की जरूरत नहीं होती, ठीक है, विदाउट द फिजिकल कॉन्टैक्ट ऐसा। ऑब्वियसली अब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, ये चीज, दिस इज द रीजन, ऐसे टाइपराइटर, हाँ टाइपराइटर आज भी यूज होता है, राइट, जैसे कि अब लोग कहते हैं ना कि टाइपराइटर्स कम हो गए, लेकिन उसको आज भी यूज करने के ना बहुत सारे रीजंस होते हैं। प्रिंटर भी टाइप ऑफ, आप टाइपराइटर कह सकते हो, यस बिल्कुल कह सकते हो, ठीक है, आया ये चीज समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पे। तो इंपैक्ट प्रिंटर आ गया समझ, ठीक। अब इंपैक्ट प्रिंटर मैंने दो तरह के बताए थे, एक क्या था आपका कैरेक्टर टाइप का, एक था आपका लाइन प्रिंटर, दो चीज, ठीक है। तो इंपैक्ट को यहां समझ गए कि इसमें क्या होगा, पेपर और रिबन जो है, ठीक है, वो एक साथ स्ट्राइक करेगा, मतलब हैमर जो है वो बिल्कुल टच करेगा उस चीज में, ठीक है, लाइक अ टाइपराइटर, एक टाइपराइटर की तरह, ठीक है, आवाज भी करता है, ये क्या करता है, काफी ज्यादा ये नॉइजी होता है, भाई टाइपराइटर भी तो नॉइजी होता है क्या, लेकिन डिफरेंस क्या है, टाइपराइटर में देखिएगा आप लोग कोर्ट वोट के बाहर में भी आजकल अभी भी जो वकील लोग बैठते हैं वो लोग क्या करते हैं, इसे टाइपराइटर्स लेकर बैठते हैं। उसका रीजन क्या है कि कोर्ट के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अब कोर्ट का जजमेंट एक या दो दिन में तो आना नहीं है, कोर्ट के जजमेंट्स तो आपके बहुत लंबे चलेंगे, राइट, तो इसीलिए उसमें जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं टाइपराइटर के थ्रू ही टाइप किया जाता है, क्योंकि इसमें जो इंक आप यूज करोगे है ना, इससे जो पेपर निकलता है प्रिंट होके, तो वो आपका खराब नहीं होता, नहीं तो जनरली प्रिंटेड चीजें एक समय के बाद में क्या हो जाएगी, आपकी खराब होने लग जाती है, डल होने लग जाती है। तो टाइपराइटर से टाइप किया हुआ अगर कोई पेपर है तो वो आपका ज्यादा सुरक्षित रहता है, ठीक है, इसलिए कई बार इसको ही यूज किया जाता है। अब देखिए इंपैक्ट प्रिंटर जो है वो आपके कैरेक्टर को भी प्रिंट करेगा या फिर पूरी लाइन को भी प्रिंट कर सकता है एट अ टाइम, ठीक है। ये यूज क्या करते हैं, ये यूज करते हैं पिंस या फिर हैमर्स जिसे कहा जाता है, ठीक है, दैट प्रेस एन इंक्ड रिबन अगेंस्ट द पेपर, ठीक है। तो पिन और हैमर्स को यहां पे यूज किया जाता है, थोड़े से कम एक्सपेंसिव होंगे ऑब्वियसली, पहले के तो उतने महंगे नहीं होंगे, फास्ट होते हैं, मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में यहां हम पढ़ना चालू करते हैं। पुष्पेंद्र जरूर अभी ये क्लास हम कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट में आप मुझे बताइएगा कि किस सब्जेक्ट की आपको बुक चाहिए, क्या चाहिए, तो मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे सजेस्ट कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, अगर मैं बात करूं इंपैक्ट प्रिंटर की, तो हमने देखा था चार तरह के प्रिंटर्स होते हैं, अभी इनको एक एक करके हमको यहाँ पे समझना है ना। आई होप आपको चीजें जो है यहाँ पर समझ में आ रही होंगी। सबसे पहले है यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो भैया इसके बारे में क्या क्या जानना है? सबसे पहले ये बहुत नॉइजी रहता है। कैसा रहता है? नॉइजी, ये आवाज करता है, ठीक है। जब भी इसमें से प्रिंट निकलेगा तो ये क्या करेगा? आवाज करेगा। ये सेम उसी तरह से होता है जैसे कि आपका एक टाइपराइटर रहेगा, ओके। याद रखिएगा, ये एक टाइपराइटर की तरह ही यहां पर ये वर्क करता है ये चीज, ठीक है। एक और चीज यहां पर स्पीड की अगर बात की जाए कि इसमें ये जो टाइप होकर आ रहे हैं एक 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 कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ये जो टाइप हो रहा है, ये कैरेक्टर प्रिंटर है ना ये, ठीक है। देखिए, इट फॉर्म्स कैरेक्टर्स, ये क्या करेगा यहाँ पे? कैरेक्टर फॉर्म करेगा यूजिंग रोज ऑफ पिन्स विच इंपैक्ट द रिबन ऑन टॉप ऑफ द पेपर, ठीक है। अब हैमर है, रिबन है, दोनों एक दूसरे को ठोकते रहेंगे और बीच में रहता है पेपर। तो ये पेपर में क्या होता है? एक 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 कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये प्रिंट करता है, ये देखो, ठीक है। ऐसे ऐसे क्या होगा, कैरेक्टर आएगा, भाई टी लिखा हुआ आएगा, फिर आर लिखा हुआ, ओ, फिर यू, बी, ऐसे ऐसे एक 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 करके ये प्रिंट होकर आपके सामने आते जाते हैं, ठीक है। ये चीज, इट प्रिंट वन कैरेक्टर एट अ टाइम। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कौन सा प्रिंटर है जो एक कैरेक्टर को एक टाइम पे प्रिंट करेगा, ठीक है। ये चीज, एज अ पैटर्न ऑफ डॉट्स, डॉट्स की तरह, किसकी तरह? डॉट, ऐसे डॉट 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 है जो ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। एक और चीज जो इसके बारे में जानना, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है ना जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे। इसके अलावा और क्या, देखो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं ये आपके बाई डायरेक्शनल होते हैं, मतलब दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इसको आप कैसे भी प्रिंट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों डायरेक्शंस में, लेफ्ट में से भी प्रिंट होगा आपके, ये राइट से भी प्रिंट होगा। तो कितनी चीजें हो गई, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, लेफ्ट एंड राइट जाता है ये थर्ड पॉइंट, ठीक। इसके अलावा ये किस तरह का प्रिंटर है, ये एक इंपैक्ट प्रिंटर है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये क्या करता है, प्रिंट करता है, बहुत नॉइजी होता है, टाइपराइटर की तरह होता है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज जानने की, इसकी स्पीड कितनी होती है, ठीक है। तो स्पीड ध्यान में रखिएगा, कई बार आपको एग्जाम में आता है, तो 30 to 600 कैरेक्टर्स पर मिनट, पर मिनट, ये इसकी स्पीड होती है। अगर आप लोग लिख सकते हैं तो इसको कहीं पे लिख के रख लीजिए, ठीक है। तो 30 to 600 कैरेक्टर्स पर मिनट इसका यहाँ पे स्पीड माना जाता है, ठीक है। अब अगर पिन की बात की जाए कि कौन कौन से पिन, कितने पिन यहाँ पे यूज किए जाते हैं, ये ना रो ऑफ पिन्स जो लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी आता है ना कि ये रो ऑफ पिन्स, पिन्स बताइए कि कितने पिन्स यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं। तो पिन्स होते हैं आपके 7, 9, 14, 18, देखो 7, 9, 14, 18, ठीक है, ये 24, तो इतने तरह के पिंस जो है यहां पर यूज किए जा सकते हैं। ये डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस को, ठीक। ये हो गया अपना डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पे डेजी व्हील प्रिंटर। अब देखिए डेजी व्हील किस तरह का होता है, मैं आपको इसका एक इमेज बता देती हूँ। डेजी एक फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर, और उसके ऐसे ना पेटल्स रहते हैं, ऐसे पिंस निकले हुए रहते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये सारे के ऊपर में ये जो निकले हुए ना, ये ऐसे पेटल्स बोल सकते हो आप जिसको, ठीक है। इस पर आपके पूरे अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स भी लिखे होंगे, लार्ज अल्फाबेट्स भी लिखे होंगे, नंबर्स भी लिखे होंगे, सिंबल्स भी होंगे, सब चीज, ठीक है। ये इस तरह का रहता है डेजी व्हील, गोल रहता है, व्हील के शेप में रहता है ये चीज, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये क्या करेगा, आपको प्रिंट करके देगा, ठीक है। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये सारे आपके इस पेटल के ऊपर में बने हुए रहते हैं, है ना, और ये इसके अंदर में रहता है, ये जो प्रिंटर दिख रहा है ना, इसके अंदर में ये बना हुआ रहता है। और जिसमें भी आप क्लिक करोगे, जैसे ही आपने क्लिक किया ए, ठीक है, तो ये अपना दब के क्या करेगा, यहाँ पे फट से प्रिंट निकाल देगा ऐसे, ठीक है। दिस प्रिंटर प्रोड्यूस हाई रेजोल्यूशन आउटपुट एंड आर मोर रिलायबल देन दी डॉट मैट्रिक्स। तो थोड़ा सा इसे ज्यादा रिलायबल माना जाता है डॉट मैट्रिक्स से। तो ये क्या हुआ आपका, डेजी व्हील प्रिंटर ऐसे, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका क्या नाम है, डेजी व्हील प्रिंटर। इसमें जो आउटपुट होते हैं वो थोड़े से यहाँ पे क्लियर होते हैं, क्या होते हैं, क्लियर होते हैं, मोर क्लियर आउटपुट,
हाई रेजोल्यूशन के आउटपुट्स आते हैं। जब इस पर क्वेश्चंस करेंगे ना तब आपको ज्यादा अच्छे से ये समझ में आएगा कि ये क्या था। चलिए आगे बढ़े जल्दी से, नेक्स्ट देखते हैं यहां पर लाइन प्रिंटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन प्रिंटर, मालूम होना चाहिए आपको। अब लाइन प्रिंटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन प्रिंट करेगा। अब हो गया ना कैरेक्टर की कहानी खत्म, अब लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो ये भी आपके हाई स्पीड प्रिंटर्स होते हैं, प्रिंटिंग एन एंटायर लाइन ऑफ टेक्स्ट एट वंस। ठीक है, एक ही बार में पूरी लाइन को प्रिंट करेगा। ठीक, इंस्टेड ऑफ वन और मोर कैरेक्टर, तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर नहीं करके पूरी की पूरी लाइन को। ये चीज दे आर इम्पैक्ट होते, ये भी इम्पैक्ट ही है ना, इम्पैक्ट के ही अंतर्गत आते हैं आपके लाइन प्रिंटर्स भी। अभी नॉन इम्पैक्ट में हम पहुंचे नहीं, अभी ये सब इम्पैक्ट को ही पढ़ रहे हैं। ये प्रिंट क्वालिटी इज नॉट हाई, लेकिन जो प्रिंट क्वालिटी रहेगी वो बहुत ज्यादा अच्छी कुछ खास इसमें आती नहीं है, ये है कि नॉर्मल रहता है ना। और राजवीर आप क्या लिखे हो, ये चीज। ठीक है, आया समझ में। चौथा है ड्रम प्रिंटर, ड्रम के फॉर्म में रहेगा ऐसे, अभी आपको इमेज दिखा दूंगी ऐसे ड्रम के फॉर्म में। ठीक है, ड्रम तो बहुत चौड़ा दिया मैंने। ठीक, तो एन ओल्ड लाइन प्रिंटर, ये भी एक लाइन प्रिंटर टेक्नोलॉजी पे ही वर्क करता है। ठीक है, यूजेस द फॉर्म्ड कैरेक्टर इमेजेस अराउंड अ सिलेंड्रिकल ड्रम, एक सिलेंड्रिकल ड्रम रहेगा तो उस पे आपके पूरे इमेजेस फॉर्म किए हुए रहते हैं, ऐसे उभरे हुए रहते हैं, और फिर वो क्या करता है अपने हिसाब से पूरी लाइन को प्रिंट करके भेज देगा। यहां आपको सिर्फ यही चीज मेन जानना है कि लाइन के अंदर में आते हैं ये सारे प्रिंटर्स। ठीक है, लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे ऐसे। जिटर, ग्लिटर होता है, जिटर क्या होता है, ये देखिए ये रहा, ये क्या है आपका ड्रम, ड्रम प्रिंटर है। ठीक है, वो आपका लाइन प्रिंटर है ऐसे। अब पढ़ेंगे हम नॉन इंपैक्ट को, जो अब यूज होते हैं आज के जमाने में, जो यूज होते हैं वो सारे क्या होते हैं आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। ठीक, ये चीज। तो दिस टाइप ऑफ प्रिंटर यूजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स एंड इंक जेट टेक्नोलॉजीज। अब देखो, अब यहां पे समझो एक चीज, ठीक है, कि जितने भी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स होते हैं ध्यान में रखिएगा, इसमें यूज होती है आपकी इंक, इंक यूज होती है, जिसे कार्ट्रिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्ट्रिज। अगर आप लोगों ने देखा होगा या किसी के घर में प्रिंटर्स अगर होंगे तो ऐसी एक बॉटल रहती है ना, बॉटल, और ऐसे ऊपर में उसके पिन निकली हुई रहती है और आपको उसको फिल करना रहता है ना। इसमें कलर रहता है, ब्लैक कलर रहेगा, रेड रहेगा, येलो रहेगा, ब्लू रहेगा। ठीक है, अगर कलर्ड प्रिंटर्स भी होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट भी होते हैं ऐसे, ये चीज। तो इसमें यूज होते हैं आपके कार्ट्रिज, उसमें यूज नहीं होंगे नॉन इंपैक्ट, सॉरी इंपैक्ट में। नॉन इंपैक्ट में आप क्या यूज करते हो, कार्ट्रिजेस को यूज करते हो। और इसमें क्या होगा, ये इंपैक्ट नहीं करते, मतलब बहुत ज्यादा नॉइजी नहीं होते, ना ही ये हिट करते हैं या इंपैक्ट करते हैं रिबन टू प्रिंट, मतलब कि इसमें कुछ टचिंग नहीं होगी किसी भी तरह की ऐसा। ठीक है, इट कैन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, तो इसमें ग्राफिक्स फॉन्ट्स जो आते हैं वो और ज्यादा ब्यूटीफुल आते हैं, और ज्यादा क्लियर आते हैं, और ज्यादा हाई क्वालिटी के आते हैं। ठीक है, ये सारे आपके क्या कहलाएंगे, पेज प्रिंटर्स, क्योंकि ये पूरा पेज एक बार में प्रिंट करके देगा आपको। ठीक है, अंदर ही सबको प्रिंट कर देगा और भेज देगा एक पेज को ऐसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कौन कौन से यहां पे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले इंक जेट, इंक जेट प्रिंटर। ठीक है, तो ये प्रिंटर्स में क्या होएगा, जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, जो अपन लोग घर में यूज करते हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा छोटे से प्रिंटर्स होते हैं घर में, है ना, तो वो सारे आपके क्या कहलाते हैं, इंक जेट प्रिंटर्स ही वो कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो इंक जेट में क्या हो रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंक जो है वो आप उस पेपर पे डालोगे, उस पेपर पे आप उस इंक को डालोगे, और फिर वहां पर आपकी एक इमेज जो है वो क्लियर होके यहां पर आएगी ऐसा। ठीक है, इट स्प्रेज इंक ऑन टू पेपर, इंक को क्या करेगा ये पेपर पे डालेगा, टू फॉर्म कैरेक्टर्स एंड प्रिंट द हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, ये चीज। तो ये क्या हो गया अपना यहां पे, इंक जेट प्रिंटर। अब देखो यहां पर आपको दो तीन चीजें मालूम होनी चाहिए, क्या सिर्फ इंक जेट के बारे में बता रही हूं। सबसे पहले ये एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है जैसा कि हम देख चुके हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इसमें दो कार्ट्रिजेस यूज होते हैं,
कितने कार्ट्रिजेस यूज होंगे यहाँ पे? दो। अब ये दो कार्ट्रिजेस कौन कौन से होते हैं? एक रहेगा आपका ब्लैक। जब भी आप जाते हो प्रिंट प्रिंट करवाने कुछ, तो सामने वाला क्या बोलता है कि भैया ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर चाहिए या फिर कलर्ड प्रिंटर चाहिए, राइट? ये चीज कलर्ड, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कलर्स रहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। विच टाइप ऑफ प्रिंटर यूजेस कार्ट्रिज, बताइए। ये क्वेश्चन भी पूछा है ना? भाई तो मैं बोल रही हूँ प्रिंटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, है ना। और जनरली ये सबको लोग छोड़ के चल देते हैं कि यार कौन ही पढ़ेगा, ऐसे ही बन जाना है, फिर वहां मुंह फटा रहता है, अरे बाप रे ये क्या पूछ दिया। ठीक, तो कलर्ड अगर आपको पूछेगा कि इंक जेट कार्ट्रिजेस में अगर कलर्ड में कौन कौन से कलर आएंगे, तो आरजीबी नहीं होता, ध्यान में रखिएगा। यहाँ होता है ब्लू, रेड और उसके साथ में होगा येलो। कलर लिख लीजिए, ब्लू, रेड और येलो, ऐसे, ठीक है। ये तीन कलर्स इसमें आएंगे, ठीक। और इसके अलावा आएगा एक ब्लैक, तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर चाहिए तो इसको यूज कर लो, कलर्ड चाहिए तो इसको यूज कर दीजिए, ठीक है। तो ये होता है अपना क्या, इंक जेट प्रिंटर बोलते हैं इसको। इसका अगर आपको पूछता है डीपीआई, डीपीआई कितना रहेगा, कितनी ज्यादा क्वालिटी रहेगी, तो याद रखिएगा ये रहता है इसका 300 डीपीआई, किसका, इंक जेट प्रिंटर का, ठीक। तो ऐसे आपको यहां पे ये चीजें मालूम होनी चाहिए। अगर आपको पूछ बोलेगा आरजीबी क्या होता है, ये कल हमने देखा था यहाँ पे आरजीबी, तो आरजीबी आपका रहता है मॉनिटर का कलर, ठीक है। हमने देखे थे मॉनिटर्स भी दो तरह के होते हैं, एक मोनोक्रोम होता है एक कलर्ड होता है। तो मोनोक्रोम मतलब सिंगल हो गया, और वहीं पे सही तो बोल रही हूँ, ठीक है। और वहीं पे ये आरजीबी आ गया, मतलब क्या हो जाएगा आपका, कलर्ड स्क्रीन्स जो होती है, जैसे कि एलसीडी हो गया, एलईडी हो गया, अभी के जो हमारे लैपटॉप्स होते हैं ये सब, ठीक है। ऐसे तो ऐसे आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े जल्दी से। अब देखेंगे थर्मल प्रिंटर को, किसको, थर्मल को। तो देखिए भैया थर्मल भी इंपॉर्टेंट है ना, ठीक। ये यूज करता है हीट को, किसको यूज करता है, ताप, हिंदी में क्या बोलते हैं, ताप। तो ये हीट को, उष्म को, ताप को यूज करता है ऑन केमिकली ट्रीटेड पेपर टू फॉर्म द कैरेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकली ट्रीटेड पेपर का यूज किया जाता है, जो नॉर्मल हम पेपर यूज करते हैं ना रफ रहता है वो नहीं होता। यहाँ पे जो पेपर यूज होगा वो होता है आपके वैक्स से कोटेड, वैक्स कोटिंग रहती है उस पेपर के ऊपर में। कौन सी कोटिंग रहती है, वैक्स की कोटिंग रहती है, ठीक है। जनरली देखिएगा जब आप मॉल जाते हैं, ओके, मॉल में जब आप बिलिंग करवाते हो किसी भी चीज की, तो उसका पेपर देखना एक अलग टाइप का होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट चिकना चिकना टाइप का रहेगा, और जब तुरंत बिल आता है आपके हाथ में तो गर्म रहता है, राइट। क्यों, क्योंकि वहां पे हीट यूज होता है। और ये जो केमिकली ट्रीटेड पेपर है, मतलब क्या हुआ, उसमें कौन सा केमिकल है, केमिकल कुछ नहीं, वैक्स को उसके ऊपर में कोट किया जाता है पेपर के ऊपर में, इसलिए वो थोड़ा सा चिकना चिकना भी रहता है, चिकनाहट रहती है, ठीक है। तो ये इस तरह के पेपर्स को यूज किया जाता है किस प्रिंटर में, थर्मल प्रिंटर में। तो थर्मल प्रिंटर अलग टाइप के पेपर्स को यहाँ पे यूज करता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। और एटीएम, इनफैक्ट एटीएम पर्ची भी जो आपकी निकलती है, तो उसमें भी ये इसी तरह का आपका पेपर रहता है, वैक्स कोटेड पेपर ही उसमें रहता है, ठीक है। ये फैक्स मशीन्स दैट यूज रोल्स ऑफ पेपर आर ऑल्सो ऑफ थर्मल प्रिंटर टाइप, ठीक है। ये चीज थोड़े से स्लो होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, और एक स्पेशल पेपर यहाँ पे यूज होता है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि कौन सा प्रिंटर है जो कि एक अलग टाइप का स्पेशल पेपर यूज करता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, थर्मल प्रिंटर, ठीक है, जो कि एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। कैसा है, नॉन इम्पैक्ट। देखो मैं आपको इसकी फोटो भी दिखाती हूँ, ये देखो, ये बिलिंग निकलती है यहाँ पे जो, ठीक है, ये थोड़ी सी देखना सॉफ्ट सॉफ्ट टाइप का इसका पेपर होता है, अलग टाइप का भाई ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे लेजर प्रिंटर को, ठीक है। कि ये लेजर प्रिंटर क्या होता है, जस्ट वन सेकेंड, ठीक है। तो लेजर प्रिंटर को आप क्या बोल सकते हो, पेज प्रिंटर बोल सकते हो, क्योंकि ये क्या करता है, पेज प्रिंट कर रहा है ये भी, पहली चीज, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द हाईएस्ट क्वालिटी टेक्स्ट एंड इमेजेस
फॉर पर्सनल कंप्यूटर. तो जनरली घर में जो हम यूज करते हैं, घर में, तो घर में हम क्या यूज करते हैं, लेजर प्रिंटर को ही यूज करते हैं, जो छोटा सा प्रिंटर होता है ना, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का. यहाँ पे आपको टेक्स्ट इमेजेस मिलेंगे. दे कैन प्रिंट इन डिफरेंट फॉन्ट्स, ठीक है, डिफरेंट फॉन्ट्स में, डिफरेंट साइजेस, स्टाइल, सब में ये यहाँ पर प्रिंट कर. अब ये यूज क्या करता है, तो लेजर प्रिंटर जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि ऑब्वियसली ये लेजर बीम को ही यहाँ पे क्या करेगा, यूज करेगा. आप में से अगर कोई जानते हैं तो मुझे जल्दी से लेजर का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है, ठीक है, लेजर का फुल फॉर्म. तो यूजेस द लेजर बीम ऑन टू फोटो सेंसिटिव सरफेस फॉर प्रिंटिंग. तो प्रिंटिंग के लिए यहाँ पे लेजर बीम ऑफ लाइट का यूज किया जाता है, जिस वजह से बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स यहाँ पे निकल के आते हैं, ये चीज, ठीक है. इसमें आपको और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है, तो याद रखना लेजर प्रिंट में मेमोरी का भी यूज होता है, मतलब इसके अंदर में मेमोरी रहती है, आपकी रैम हो सकती है, रोम हो सकती है, माइक्रो प्रोसेसर्स का भी यूज किया जाता है इसके अंदर में, ठीक है. तो लेजर प्रिंटर में आपकी मेमोरी का यूज होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे. अगर आपको इसका डीपीआई पूछता है, ठीक है, कि इसका डीपीआई कितना रहेगा, तो याद रखना 300 से 600 डीपीआई रहता है इसका, 300 से लेकर 600 तक, ठीक है, ये इसका डीपीआई है. मतलब कि और ज्यादा क्वालिटी, एकदम फिनिश्ड क्वालिटी का यहां पे क्या आएगा, आपको इमेज निकल के आएगा. ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये कंप्यूटर है विकेश भाई, है ना, ये कंप्यूटर का फंडामेंटल्स है, बेसिक्स है एकदम. अच्छा, वाह, बेहतरीन. नहीं याद आ रहा है, याद करके बताओ क्या होता है लेजर का फुल फॉर्म, पूछता है एग्जाम में, है ना. तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स के हार्डवेयर के अंतर्गत एक टॉपिक होता है प्रिंटर्स, जिस पे अलग से 3 क्वेश्चन बनते हैं, है ना, तो वही, उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. और इसमें क्या जान सकते हो, सिर्फ मैं बात करूं लेजर प्रिंटर की ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेजर प्रिंटर, इससे पूछता है क्वेश्चन. ये आपका पोर्टेबल प्रिंटर भी हो सकता है, ठीक है, इसको इधर से उधर भी आप ले जा सकते हो, ठीक. चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. अब देखिए ये सब आपके लेजर के ही प्रकार है, लेजर के अंतर्गत ही आप ये सब को बोल सकते हो, ठीक, मतलब और ज्यादा एडवांस रहेगी इसमें चीजें, जेरोक्स मशीन के साथ में जो फोटोकॉपी रहती पूरा फिर वर्क करना, और ज्यादा फास्ट और ज्यादा सही तरीके से यहाँ पे क्या करता है, प्रिंट करके देगा, ठीक है, ये चीजें. एक इलेक्ट्रोस्टैटिक है, वो भी ऐसी रहते हैं, जितना ज्यादा और हाई लेवल के रहते हैं जो, है ना, बड़े बड़े लार्ज लार्ज प्रिंटिंग्स करने, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक को, ऐसे. तो ये होते हैं पूरे प्रिंटर्स, ठीक है. अब सेम प्रिंटर की तरह ही एक और डिवाइस होता है जिसको क्या बोलते हैं यहां पे, प्लॉटर. ठीक है, उसे कहते हैं प्लॉटर. अब देखिए, तो भैया टेक्निकल करना तो बहुत अच्छा है ना, लेकिन ये बेसिक्स भी जरूरी होते हैं, कि बहुत से एग्जाम में ना आपको बेसिक कंप्यूटर के ही क्वेश्चंस पूछेगा, है ना, इसीलिए चलो यहां पे ध्यान दो. प्लॉटर, प्लॉटर क्या है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस जैसा ही रहता है. जनरली जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, है ना, इंजीनियरिंग वर्क्स जिनको ग्राफिक्स, डिजाइन, ड्रॉइंग्स ये सब बनाने होते हैं ना, तो वही लोग इसका यूज करते हैं. तो ये क्या होगा, आपका प्लॉटर होगा, ठीक है. इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ आउटपुट चैनल सच एज प्रिंटर दैट प्रोड्यूसेस इमेजेस, वही है. अब प्लॉटर भी दो टाइप के होंगे, एक आपका फ्लैट बेड होगा और एक आपका ड्रम टाइप का होगा, बस ये चीज. ये प्लॉटर तो वैसे जनरली नहीं पूछता एग्जाम में, प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे. ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में अच्छे से आ गई होगी. एक बार स्पीकर ये देख लीजिए, बिकॉज देखिए हम हार्डवेयर पढ़ रहे थे तो उसके अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को पढ़ना है, तो ये सारे आपके क्या है, ये आपके आउटपुट डिवाइसेस है, हेडफोन्स हो गए, प्रोजेक्टर्स हो गए, स्पीकर्स हो गए, ठीक है. अब देखो, अब ये स्पीकर क्या करेगा, इट इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस दैट रिसीव्स साउंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. लेकिन ये साउंड के लिए आपको मैंडेटरीली एक साउंड कार्ड रहना चाहिए आपके पास में, है ना, कनेक्टेड टू द सीपीयू, जो कि फिर साउंड को यहां पे क्रिएट करेगा. इसीलिए तो ये आपके क्या होंगे, पूरे आउटपुट डिवाइसेस हो जाएंगे. अगर मैं बात करूं बोथ इनपुट आउटपुट, तो ऐसे बहुत से डिवाइसेस हैं जो इनपुट की तरह भी वर्क करते हैं, आउटपुट की तरह भी वर्क करते हैं, राइट. मॉडेम, नेटवर्क कार्ड्स, टच स्क्रीन, सबसे इंपॉर्टेंट हेडसेट्स,
ठीक है, ईयरफोन्स तो हमने देखे हैं, अगर बड़े हेडसेट्स होते हैं उसमें माइक भी लगा रहता है, ठीक है, स्पीकर्स माइक दोनों लगा रहता है, जिस वजह से यह इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह वर्क करता है। साथ में फैक्स, जिसे फेसीमाइल भी कहा जाता है, ठीक है, डिस्टर्ब होता है, वाह बहुत बहुत पढ़ाई कर रहे हो, ये लिख लो, ठीक है, बोथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ऐसा। और क्या बचा है यहाँ पे, बस यही चीज, ठीक है। तो ऐसे आपको यहां पर चीजें मालूम होनी चाहिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देख लीजिए, पोर्ट्स के बारे में, ठीक है। यूएसबी पोर्ट होता है सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट। तो सीरियल पोर्ट क्या करेगा, एक बिट को एक ही बार में ये ट्रांसफर करता है, एक सिंगल वायर में, सिंगल वायर में एक डेटा को, एक बिट को क्या करेगा यहां पे, ट्रांसफर करेगा सीरियली, ठीक है, ट्रांसमिटेड सीरियली, एक सीरियल में, एक लाइन में, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं ये क्या रहेगा, थोड़ा सा स्लो स्पीड रहती है इसमें, ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड यहाँ पे क्या रहेगी, थोड़ी सी स्लो रहेगी, ऐसे। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अगर बात करें यूएसबी, कॉमन एंड पॉपुलर एक्सटर्नल पोर्ट, यूएसबी तो सभी को पता है, ठीक है, जब प्रिंटर इंटर को यूज करना है तो वो भी आप कहां करोगे, यूएसबी में ही तो करोगे। इनपुट या आउटपुट दोनों की तरह वर्क करेगा, कैप्चर भी करता है ना वो, तो इमेज आपकी कैप्चर भी करेगा और फिर वो आपको वहां पर आउटपुट भी देगा, तो वो इनपुट आउटपुट दोनों की तरह यहाँ पे वर्क कर सकता है। तो नॉर्मली कितने यूएसबी पोर्ट्स हो सकते हैं भैया, दो से चार बार तक आपके लैपटॉप्स में साइड में प्रोवाइड किए ही जाते हैं, ठीक। और जैसे सीरियल पोर्ट होता है उसी तरह से एक पैरेलल पोर्ट भी होता है, ये चीज फॉर कनेक्टिंग डेटा वायर्स। तो बहुत सारे डेटा वायर्स को एक साथ कनेक्ट करना है, तो भैया सीरियली अगर करोगे तो डेटा फ्लो में बहुत समय जाएगा आपका, बैठे बैठे सो जाओगे, सुस्ता लोगे, तो इसीलिए इन्हें पैरेलली यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। ये इसीलिए क्या देता है, आपका हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है, ऐसे, ठीक है। तो ये हमने देखा यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल्स को, ठीक है। कल देखते हैं, हम एक नए टॉपिक से कल स्टार्ट करेंगे। हम पढ़ चुके हैं कंप्यूटर लैंग्वेज, और कंप्यूटर हार्डवेयर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था प्रिंटर्स, जो मैं चाहती थी कि आप लोगों को अच्छे से समझ में यहाँ पर आ जाए। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। हेलो संतोषम, कैसे हैं आप, ठीक। चलिए, वैसे आप आ रहे हो लेकिन हम यहाँ से जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इस क्लास को फिनिश करती हूँ। कोई भी डाउट रहे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हो। तो कोमल व्यास 92 के नाम से मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, तो इसे आप लोग प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। वैसे तो ये स्पेसिफिकली नॉन टेक के लिए है, और आई थिंक आप लोग यहाँ सब टेक्निकल वाले होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि कई बार मैं इसमें टेक्निकल कुछ कुछ चीजें भी डाल देती हूँ, ठीक है, एक ही चैनल है ना, दैट्स वाई। हाँ, अभी तो यहाँ पे डेली होगी सिद्धि, लेट्स सी कि क्या होता है, मेरे को जैसा भी ऑर्डर आएगा ऊपर से, आला कमान का ऑर्डर जैसा आएगा, तो उस हिसाब से अपन इसको कंटिन्यू रखेंगे, है ना, कंप्यूटर फंडामेंटल्स को। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। कोई भी डाउट रहे तो मेरे इस चैनल के डिस्कशन ग्रुप में आप मुझसे पूछ सकते हैं, थैंक यू। और हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कल करेंगे, कल हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ये फ्री क्लासेस तो कुछ ही समय तक रहेंगी, इसका जो मेन क्लास चलेगी लाइव ऐप पर, तो अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग भी अच्छे से तैयारी करके इस एग्जाम को आपको क्लियर करना है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल अमाउंट है, 5,999 रुपीज, है ना, जिसमें आपको काफी अच्छे से टेक्निकल भी यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा, मैं वेट करूं, जी बोलिए पुष्पेंद्र। बुक्स किस सब्जेक्ट के लिए आपको बुक चाहिए, वेरी गुड शुभम, यस, लेक्चर का पीडीएफ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, मैं इस चैनल पे लेक्चर का पीडीएफ आपको भेज दूंगी, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए मुझे बता दीजिए, मैं आपको एक लिस्ट भेज दूंगी। ये चैनल आपने ज्वाइन किया है ना, इसका एक डिस्कशन ग्रुप भी है जहां आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे अलग से भी इस पर मैसेज कर सकते हो, तो वहां मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको पूरा लिस्ट भेज देती हूँ। यहाँ यूट्यूब पे तो बताने से अच्छा है कि आई विल सेंड यू देयर ओनली, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर कल। शुभम आप भी आइए, यूजीसी नेट में तो कोई स्टूडेंट दिखते नहीं है मुझे, है ना, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, फंडामेंटल्स में बहुत मजा आएगा, बहुत सारी बेसिक छोटी छोटे
स्टैटिक चीजें भी है जो यहां आपको ध्यान में रखनी चाहिए. ओके चलिए, ये नाम से है कोमल व्यास 92, ठीक है, ये नाम से. तो इसको आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे ना तो आपको मेरी एक फोटो मिल जाएगी इस तरह की, ठीक. तो उसमें आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा. चलिए, थैंक यू वेरी मच.